श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत को क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन के मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की। इस मौके पर समाजसेवी जितेंद्र सिंह राठौड़, समाजसेवी नंदू बना, सचिन बहाली, योगेंद्र सिंह नरूका, विक्रम सिंह सहित समाज के प्रबुद्ध जनों सहित युवा मौजूद रहे। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन, सीएम अशोक गहलोत के नाम महापुरुष महाराणा प्रताप, मिहिर भोजिया, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिससे समाज का एक विशेष वर्ग जिनमें गरीब व असहाय लोग शामिल हैं, उन्हें मदद। जी, आज जो ज्ञापन दिया, किनको दिया, किस मांग को लेकर दिया? आज अतिरिक्त कलेक्टर जिले प्रथम उत्तम सिंह शेखावत को ज्ञापन दिया राजपूत समाज ने, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा, जिसमें एक ही मांग कर रहे हैं कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो। वो क्षत्रिय किसी भी महापुरुष के नाम हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान के नाम हो, चाहे मीर भोज के नाम हो, किसी भी क्षत्रिय सम्राट के नाम हो, इस कल्याण बोर्ड की गठन की मांग की है। इस संदर्भ में हमने उत्तम सिंह शेखावत जी को ज्ञापन दिया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के माध्यम से आज अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि हमारा भी एक क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बने, गठन हो, जिससे हमारे समाज में जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको मदद मिल सके और वो गठन भी किसी महापुरुष के नाम से हो। इसके उसमें हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम आप दिया है। तो शेखावत जी ने कहा है मैं इस चिट्ठी को जल्दी ही ऊपर पहुंचा दूंगा जयपुर और जल्दी कार्रवाई का आश्वासन।